पटना के रामजयपाल रोड में मुफ्त चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर गीतांजलि वेलनेस सेंटर के गठिया रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निहारिका सिन्हा द्वारा आयोजित किया गया था। इस शिविर में 100 से अधिक हड्डी रोग से जुड़े लोगों ने मुफ्त में परामर्श लिया। कैंप में जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द, गठिया और कमजोर विकृत हड्डियों के मरीज शामिल रहे। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर, सुगर, यूरिक एसिड, हीमोग्लोबिन, बायोथेसियो द्वारा नस की मजबूती की जांच एवं बोन मास डेंसिटी यानी हड्डी की मजबूती की जांच मुफ्त में की गई। डॉक्टर निहारिका सिन्हा ने इस विशेष कैंप को देर न कर रहे आज ही जुड़े थीम पर आयोजित किया था। इस शिविर में डॉक्टर निहारिका के साथ साथ पटना के कंसल्टेंट डॉक्टर अभिषेक कुमार ने भी रोगियों को डायबिटीज, थायराइड और कई अन्य बीमारियों के बारे में जानकारी दी, साथ ही मुफ्त परामर्श भी दिया। डॉक्टर साहब, किस टाइप के मरीज आपको यहाँ पे मिले हैं इस कैंप में? जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने जो बैठे हैं पेशेंट, वे सर्वाइकल डिस्थेसिस और लंबर डिस्थेसिस दोनों से ग्रसित है। 2-3 महीने से इनको प्रॉब्लम हुई है, कुछ ट्रीटमेंट दे रहे थे, अचानक से ये दर्द शुरू हुआ है, अभी तो इनका इलाज शुरू किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे पास अभी की दो पेशेंट आए हैं, तो सबसे ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने की शिकायत लेके मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा रही है। मरीज जिसमें बहुत ज़्यादा महिलाएँ शामिल हैं और कम उम्र की महिलाएँ, जो जिनका हिस्ट्री में वो दूध नहीं ले रही हैं, विटामिन डी की कमी है और डीएमडी टेस्ट भी हुआ है, उस उनमें अभी भी ऑस्टियोपेनिया के लक्षण मिल रहे हैं। तो जहाँ तक देखा जाए सबसे ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटना, उसके बाद सर्वाइकल और लंबर के पेशेंट्स ज़्यादा मिले। कैंप का मेरा एक ही उद्देश्य है कि पेशेंट स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए जो घुटने उनका घिस रहा है, उनको जागरूक नहीं हो रहे हैं और जब हमारे पास आ रहे हैं तो टाइप 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस में परिवर्तित हो जा रहा है, तब घुटने को बचाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। अगर वो समय से हमारे पास पहले आए तो उनका इलाज पहले के बाद की अपेक्षा अगर पहले आते हैं तो ज़्यादा आसान होगा और कम पेनफुल भी रहेगा। एक्सरसाइज वगैरह से, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से दवा को हम बीमारी को वहीं पर रोक सकते हैं।